केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर गुना शिवपुरी और अशोकनगर के कलेक्टर के साथ बैठक की। अतिवृष्टि में प्रशासन द्वारा किए जा रहे बचाव कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से फोन पर बात कर पूरे प्रदेश और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चल रही रेस्क्यू की जानकारी ली। वर्चुअल बैठक में हर जिले की परिस्थिति का अपडेट भी लिया। राज्य सरकार के मंत्रियों प्रभारी मंत्रियों को दिए संदेश, बोले 24 घंटे के अंदर करें क्षेत्र का दौरा। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि ने राज्य के कई इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी भारी बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। स्थिति को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बात की और प्रदेश की स्थिति के बारे में जाना। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू कार्यों की जानकारी ली और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारियों के साथ ली बैठक। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बातचीत के बाद संध्या ने ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के कलेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में हुई हानि, व्यक्ति, पशु और फसल की हानि को लेकर भी जानकारी ली और निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को राहत राशि मिलना चाहिए। उन्होंने बेहतर स्थिति होने के बाद फसलों के सर्वे का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को दौरा करने का निर्देश। सिंधिया ने राज्य सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ल क्षेत्र का दौरा करने के भी निर्देश दिए हैं।